होगा, तो ये इसकी नौवीं विशेषता होगी। इसके बाद दसवीं विशेषता में संघ क्षेत्रों में लागू होना, तो संघ क्षेत्रों में जो पंचायती राज अधिनियम है या 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1973, संघ क्षेत्रों में इसे लागू करने का अधिकार केवल और केवल देश के राष्ट्रपति को है। देश के राष्ट्रपति चाहे तो 73वें संविधान संशोधन विधेयक को जैसे का तैसा, अथवा चाहे तो इसमें कुछ संशोधन के साथ इसको कहां लागू कर सकते हैं, संघ शासित क्षेत्रों में। तो इसको संघ शासित क्षेत्रों में लागू करने की पूर्ण जिम्मेदारी या पूर्ण दायित्व किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। केवल राष्ट्रपति ही इन्हें संघ शासित क्षेत्रों में लागू कर सकता है। इसकी दसवीं विशेषता हो गई। इसके बाद इसकी ग्यारहवीं विशेषता की बात करते हैं, तो ग्यारहवीं विशेषता के अंतर्गत इसमें ये कहा गया है कि ये जो अधिनियम है 73वां संविधान संशोधन विधेयक, ये कुछ राज्यों में लागू नहीं होता। आइए बात करते हैं कौन कौन से राज्यों में लागू नहीं होता। तो जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं होगा। पहला राज्य होगा नागालैंड, जहां पर ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक लागू नहीं होता। पहला राज्य कौन सा है, नागालैंड। तो पहला राज्य क्या हो गया, नागालैंड। दूसरा राज्य मिजोरम। तीसरा राज्य मेघालय। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। इसके अलावा हमारे उत्तर में है जम्मू कश्मीर। तो अगला राज्य कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर। इन राज्यों में 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 लागू नहीं होता है। पहला राज्य नागालैंड, दूसरा राज्य हमने देखा मिजोरम, तीसरा राज्य मेघालय और चौथा राज्य जम्मू कश्मीर। इन राज्यों में ये अधिनियम लागू नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे देश के कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। यदि जहां पर अनुसूचित जाति और जनजातियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में भी ये अधिनियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग, तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जो क्षेत्र है, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी 73वां संविधान संशोधन विधेयक लागू नहीं होगा। और इसके अलावा मणिपुर, मणिपुर की जो पहाड़ियां जहां पर विधान परिषद लागू है, मणिपुर की पहाड़ियां जहां पर विधान परिषद पहले से अस्तित्व में है, वहां पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होगा, यानी 73वां संविधान संशोधन विधेयक लागू नहीं होगा। तो क्या इन क्षेत्रों में ये लागू हो ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। इन क्षेत्रों में ये लागू हो सकता है, लेकिन तभी लागू होगा जब संसद विधान बनाकर इन क्षेत्रों में इन्हें लागू करने के संदर्भ में कोई विधेयक पारित करे। तो उसी स्थिति में इन क्षेत्रों में ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 लागू किया जा सकता है, अन्यथा इन क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्यारहवीं विशेषता। ग्यारहवीं विशेषता में कहा गया कुछ राज्यों में ये लागू नहीं होता। कहां लागू नहीं होता, तो नागालैंड में लागू नहीं होता, मिजोरम में लागू नहीं होता, मेघालय में लागू नहीं होता, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होता है, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग में लागू नहीं होता है, मणिपुर की पहाड़ियों पर भी जहां पर विधान परिषद पहले से अस्तित्व में है, वहां पर ये लागू नहीं होता है। इन क्षेत्रों में यदि इन्हें लागू करना है, तो केवल और केवल संसद जो है वो विधान बनाकर इन क्षेत्रों में इस संविधान संशोधन विधेयक को लागू कर सकती है। तो ये इसकी ग्यारहवीं विशेषता हो गई। अगली और बारहवीं विशेषता, ठीक है, बारहवीं विशेषता की अगर हम बात करें, तो बारहवीं विशेषता में ये कहा गया है कि पंचायत से संबंधित चुनावों को कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयुक्त का होगा, और इसमें देश का जो राज्य का जो न्यायालय होगा, हाईकोर्ट होगा, ये किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, और चुनाव को करवाने का संपूर्ण दायित्व किसका होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। तो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, और इसमें राज्य सरकार किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये इसकी बारहवीं विशेषता हो गई और अंतिम विशेषता हो गई। तो ये हमने देखा 73वां संविधान संशोधन विधेयक और इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहली विशेषता में हमने देखी ग्राम सभा का गठन किया जाना काफी क्या है, अनिवार्य रूप से ग्राम सभा जो है इनका गठन किया जाए, इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरे में कहा गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रखी जाए, इसकी दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता में सीटों के आरक्षण की हमने बात की। इसके अलावा चौथी विशेषता में इसके कार्यकाल की बात की।
पांचवी विशेषता में हमने देखा कि सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। छठवीं विशेषता में हमने देखा कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका गठन किस तरह से होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, ये हमने छठवीं विशेषता में देखी। सातवीं विशेषता में पंचायतों के कार्य और शक्तियों की बात की, और आठवीं विशेषता के अंतर्गत हमने वित्त आयोग की बात की। नौवीं विशेषता में हमने लेखा परीक्षण देखा। दसवीं विशेषता में हमने देखा किन किन राज्यों में ये लागू नहीं होता, और इसकी अगली विशेषता में हमने देखा कि इससे संबंधित चुनावों को चुनाव जो है वो केवल राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा और न्यायालय के न्यायालय इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दोस्तों ये 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, और यहीं पर ये वीडियो में समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। अभी मुझे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोगों का समर्थन जो है वो चाहिए होगा, और मैं ये चाहूंगा कि इनिशियली जितने भी वीडियो मैं अभी आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहा हूँ, तो इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। धन्यवाद।